ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है इसका प्रिसाइज का और मिनट जरा मैं वो ले आऊँ, मुझे कुछ पैड लाना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन सेंड कर दिया? हाँ बेटा सेंड कर दिया मैंने। बहुत ही ज्यादा ब्लड है तो अच्छा। अभी हमें कह रहा है ठीक है कि हमारे पास ये प्रिसाइज और एक्यूरेसी का सवाल है। ठीक है, प्रिसाइज और एक्यूरेसी पता है क्या होता है? जी, प्रिसाइज ठीक है, तो प्रिसाइज यानी कह सकते कि सब आंसर जितनी भी वैल्यूज है वो सब करीब के, मतलब क्लोज आंसर्स है, मतलब 0.1 0.2 का डिफरेंस है सब आंसर में. हाँ प्रिसाइज, ठीक है ना, प्रिसाइज मतलब नियर बाय आंसर, ठीक है ना। प्रिसाइज का मतलब होगा नियर बाय, और एक्यूरेट का मतलब क्या है? क्लोज टू द टारगेट वैल्यू, सही है, या रेफरेंस वैल्यू। हाँ, जी, करेक्ट आंसर का नजदीक आंसर. क्लोज टू द टारगेट वैल्यू, दिस देयर विल बी सम डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। प्रिसाइज का मतलब है नियर बाय होगा, और एक्यूरेट का मतलब है क्लोज टू द टारगेट वैल्यू। अब यहाँ देखो हमारे पास जो उसे सवाल दिया हुआ है, कह रहा है चार स्टूडेंट्स ने एक मेजरमेंट ली। स्टूडेंट ए बी सी और डी, इन्होंने मेजरमेंट ली ठीक है, एक्सेलरेशन की, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल की। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने जो रिजल्ट लिया वो प्रिसाइज था लेकिन एक्यूरेट नहीं था। ठीक है, अच्छा आप देखो बट नॉट एक्यूरेट। ठीक है, अब एलोग एंड इसका एस्क्री वैल्यू का आंसर क्या बोला? क्या करें? इन लोगों ने वैल्यू देखो बेसिकली बहुत ही ये सिंपल है कि ये देखो हमारे पास एक्यूरेट ना हो, ठीक है ना, तो एक्यूरेट ना हो का मतलब क्या है कि 9.81 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 9.81 नहीं आना चाहिए। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.81 ना, जी की वैल्यू होती है 9.81। तो इसका मतलब ये देखो कि हमारे पास ऑप्शन ए में 9.81 आ रहा है, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और नॉट एक्यूरेट मतलब ये नॉट एक्यूरेट चाहिए ना, तो ये तो 9.81 मतलब एक्यूरेट आ गया। ठीक बी भी नहीं आएगा, 9.81 है, बी भी नहीं आएगा, सही है। अब डी बाकी बचे ओके. सी और डी। हाँ, सी और डी डिसाइड करेंगे कि कौन सा सही होगा। ठीक है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि गलत ऑप्शन कौन से हैं। अच्छा आप देखो एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रिसिशन चाहिए। तो आप देखो अह 9.21 है। देखो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, पार्ट सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पार्ट सी में एक वैल्यू है 9.21, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है? अब ये दोनों नॉन एक्यूरेट भी हैं। एक बार बात देखो, ये दोनों नॉन एक्यूरेट की वजह क्या है? देखो यहाँ पे कोई भी रीडिंग में 9.81 नहीं है ना, बात समझ आ रही है? तो ये नॉन एक्यूरेट तो दोनों हैं, ठीक है, नॉन एक्यूरेट। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास हाँ जो सी और डी है, ठीक है, सी एंड डी वो नॉन एक्यूरेट है। नॉन एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पे 9.81 नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक तो फुलफिल कंडीशन हो गई, ठीक है ना, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब वो दूसरा क्या कहना चाह रहा है कि प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज यानी करीब करीब। अब देखो ऑप्शन सी में देखो सबसे छोटा है 9.21, और एक 9.21, एक 4.5 है, 8, 9, 7, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, बात समझ आ रही है? 9C प्रिसाइज नहीं है, नॉट जी प्रिसाइज। तो इसका मतलब कौन सा बचा?
डी हाँ डी की देखो वैल्यू इसमें बहुत करीब करीब आ रही है। देखो ये 0.45 से 0.06, ये 0.01 का फर्क आ रहा है, फिर ये 0.04, और फिर अगेन ये 0.09, मतलब बहुत करीब करीब फर्क आ रहा है। ठीक है, तो डी विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी नहीं है। प्रिसाइज है और नॉट एक्यूरेट है, ठीक है।